अब तो इन आंखों के हराम देखने ने और लुकमय हराम खाने ने दिल को दिल कहां रहने दिया, पत्थर बना दिया है। ऐसी बेहिसी है, जनाजे उठाता भी है, कब्र के अंदर मनोमन मिट्टी के नीचे अपने हाथों से दबाता भी है, लेकिन इस दिल पे जख्म नहीं लगता, इसे चोट नहीं लगती, इसकी गफलत के पर्दे नहीं हटते। सीने में दिल का रहा, पत्थर हो गए इस आंखों के हराम देखने ने, इस बदनजरी, इस बदनिगाही। अल्लाह मुसलमानों के उन ताजरों को भी हिदायत नसीब फरमाए, जब भी कोई कपड़ों का मौसम आता है तो पूरे सड़कों को और माशरे को बेहयाई से भर देते हैं। क्या इनके रिस्क में बरकत होगी, कैसे इनका लुकमा हलाल बनेगा, कैसे इनके घरों में अमन और सुकून और मोहब्बतें आएंगी। कितनों को गुनाहों पे मजबूर कर रहे, इस हराम देखने ने और लुकमय हराम ने सीने में दिल कहां रहने दिया, पत्थर बना दिया, सख्त हो गए थे, नहीं पिघलते, नहीं असर लेते। और वो मोहसिनों का मोहसिन, मालिकों को बादशाहों का बादशाह, वो मालिक हकीकी जिससे इसकी सारी जिंदगी की नेमतें, सारी जिंदगी की बका जिससे वाबस्ता है, रुसवा करने पे आए तो कौन इज्जत दे सकता है, नेमतों के नक्शों में ख्वार करने पे आए तो कौन बचा सकता है, राहतो आराम के सिलसिलों के अंदर बेसुकून परेशान करने पे आए कौन सुकून दे सकता है, मोहब्बतों के माहौल में और मोहब्बतों के नक्शों में नफरतों की आग का अजाब दे तो कौन बचा सकता है। उस जात की नाफरमानी है, दिल उस जात के खौफ से खाली हो गए। इसलिए जिंदगियां आजाद हो गई, आजाद जिंदगी है, जो मन में आ रहा कर रहा है, जो तबीयत में आ रहा है कर रहा है। जैसे अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी इबादत है, मेरे अजीजों दिलों का खौफ से खाली हो, अल्लाह के खौफ से खाली होना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। इस शख्स को फिर कोई परवाह नहीं होती, फिर ये कुछ भी कर सकता है, फिर कोई हद नहीं है, कहीं रुकेगा नहीं, कोई रुकावट ही नहीं है।